फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो प्लास्टिक की बोतल होती है उनसे 10 कमाल की चीज़ें बना के दिखाऊंगा। तो वो कौन सी चीज़ें हैं वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी नई वीडियो आपको तुरंत देखने को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना वरना आपसे कोई भी जानकारी मिस हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इन टॉप 10 आइडियाज़ में से मैंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, तो आप उन्हें बनाने में पूरी सावधानी बरतें क्योंकि वो आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। तो चलिए चलते अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक गैस लाइटर बना के दिखाऊंगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे जो मेडिकल शॉप से ये ट्यूब होती है वो आपको लेनी है। आपको नई यूज करनी है, पुरानी आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है और आपको इसे बनाने पूरी सावधानी भी बरतनी है। तो यहाँ पर मैं कैल्शियम कार्बाइड से एक गैस लाइटर बना के दिखा देता हूँ आपको। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से आपको इसे एक जो कैप होता है बोतल का वो आपको लेना है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड यूज कर रहा हूँ मैं। तो चलिए मैं आपको इसे यहाँ पर सोल्डिंग करके दिखा देता हूँ किस तरीके से आप सोल्डिंग कर सकते हैं इसे। तो आपको जो नॉर्मल पानी होता है वो आपको बोतल में डाल लेना है इस तरीके से। इसके बाद आपको इसमें कैल्शियम कार्बाइड डाल के यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से बंद कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसे दिखा देता हूँ, बस आपको पूरी सावधानी बरतनी इसे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप इसे नॉर्मल वेल्डिंग की तरह यूज कर सकते हैं, एज ए लाइटर भी यूज कर सकते हैं आप इसे। तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और बोतल यूज कर रहा हूँ, तो आपको इसे बीच में से यहाँ पे कट कर देना है। तो आप इस तरीके से कटर का यूज़ करके इसे इजीली काट सकते हैं, बस आप पूरी सावधानी बरतनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे से काट लेता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको इसे कैंची से अच्छे तरीके से गोल यहाँ पर कटिंग कर लेनी है आपको। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पर किस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया। तो आपको ठीक इसी तरीके से कट कर लेना है इसे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको इसे इस तरीके से आपको बीच में से इस बोतल को आपको यहाँ पर देख पा रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से आपको इसके बराबर के यहाँ पे टुकड़े काट लेने इस तरीके से आपको। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको इसके सारे जो टुकड़े हैं वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे मोड़ देने हैं। तो इस तरीके फ्रेंड्स, आपको इसके सारे टुकड़े यहाँ पे मोड़ लेने हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आपको यूज क्या करना है। तो यहाँ पे मैं सारे टुकड़ों को यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारा बनके कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद फ्रेंड्स, आपको इसमें जो फूल के पौधे होते हैं वो आप इसमें इजीली लगा के आप अपने घर की जो दीवार होती है उन पे आप इजीली रख सकते हैं। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से आप इन्हें इजीली सेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो आपने बोतल का कैप काटा था इस तरीके का, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। जो छोटी मोटी बोतल होती हैं आप उनमें पानी या ऑयल कुछ भी डाल के इस तरीके से आप इन्हें यूज में ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप चौथे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक रिचार्जेबल टॉर्च लाइट बना के दिखाऊंगा। तो टॉर्च लाइट बनाने के लिए मैंने जो बोतल का आगे वाला कैप काटा था उसे ही मैं यूज में ले रहा हूँ। यहाँ पे पीस आपको इस तरीके से आपको अपने साइज का यहाँ पे कट कर लेना है और यहाँ पे स्विच के लिए मैं इसमें कट कर लेता हूँ। तो बैटरी को मैंने यहाँ पे इस तरीके से जोड़ दिया इसके दोनों वायर को प्लस माइनस पे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको इसके बीच के एक वायर पर आपको स्विच को लगा देना है। चलिए मैं यहाँ पे आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको स्विच को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। इसके बाद मैं आपको एलईडी को यहाँ पे सोल्ड कर देना है और यहाँ पे मैं चार्जिंग के लिए इस तरीके का चार्जिंग जैक यूज़ कर रहा हूँ। तो इसे आपको पीछे के साइड में यहाँ पे लगा देना है बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव पे। तो फ्रेंड्स, देख पा रहा हूँ यहाँ पर हमारी जो टॉर्च है वो बनकर कंप्लीट होगी। इसके बाद आपको टॉर्च को इस तरीके से सेट कर लेना है। तो आप इसे टॉर्च की जगह पर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। देख पा रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी चीज़ इसकी ब्राइटनेस है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप पाँचवें टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं बोतल का ऊपर वाला साइड यहाँ पर कट कर लेता हूँ। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पर इसके बाद मैं आपको बोतल में से एक गोल ढक्कन जैसा आपको कट कर लेना है। वैसे आपको एसटी ग्लू से इजीली चिपका देना है। देख पा रहा हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आप इसे इस तरीके से सेट कर लेना है आपको। इसके बाद फ्रेंड्स, आप इसे एलईडी रखने के लिए या छोटे जो स्क्रू होते हैं उसे रखने के लिए आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन है तो। देख पा रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से आप इसे यूज में ले सकते हैं। तो आपको इस तरीके से आपको इसका ढक्कन भी लगा के आप इसे छोटी बोतल की जगह पर आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं अपने छठे टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको एक टेबल टॉप फाउंटेन बना के दिखाऊंगा। तो इस बोतल के यहाँ पे ऊपर वाली साइड में आपको सोल्डिंग आने से इजीली आपको इस तरीके से छेद कर लेने हैं। आपको सेम दूरी पे यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जो छोटी वाटर पंप होती है उसे यूज़ कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, आप उसे घर पर ही ईजिली बना सकते हैं। तो इस वाटर पंप को मैं यहाँ पर नीचे वाली साइड में यहाँ पर फिट कर देता हूँ। देख पा रहा हूँ यहाँ पर बाद में आपको उसे ग्लू से अच्छी तरीके सेट कर देना है। चलिए मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ। देख पा रहा हूँ यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे इसमें पानी डाल लेता हूँ। फ्रेंड्स, आप इसे 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट की सप्लाई पे इजीली चला सकते हैं। चलिए मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क करता है।
चलिए देख लेते हैं। तो देख पा रहे फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पर इस तरह की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको नई नई वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं अपने सातवें टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं प्लास्टिक की एक और बोतल यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको उसे इस तरीके से आपको कट कर देना है इसे बीच में से। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको उसे कट करना है। तो मैं यहाँ पर कटर का यूज़ कर रहा हूँ, आप इसे कैंची से भी काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बोतल को इस तरीके से काट लिया, इसके बाद में आपको उसे बीच में से यहाँ पर कट कर देना है। जैसा मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको इसे काट लेना है, इस तरीके से देख पा रहा हूँ यहाँ पे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके यूज आपको कहाँ पर करना है। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पे, आप इसे जो मोबाइल चार्जर होता है उसकी जगह पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन को इसमें रख के चार्जिंग पर लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने आठवें टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर मैं बोतल का जो बीच वाला साइड होता है उसे यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपका जो बैट होता है वो अगर बीच में से टूट गया या हिल रहा हो तो आप इसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आपको उस जगह पर बोतल को बीच में पैक कर देना है और आपको गैस पे या किसी तरह से आँच पे आपको इसे हल्का हल्का ऊपर से हीट करना है, ये इस पर ईजिली सेट हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको इसका यूज करना है। तो आपको इस तरीके से हल्का हल्का इसे घुमाता जाना है और ये अच्छे तरीके से इस पर सेट हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो बैट है वो बिल्कुल भी यहाँ से नहीं हिलेगा। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। मैं आपको इसे क्लियरली दिखा देता हूँ। देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि हमारा जो बैट है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को इस तरीके से सेट कर सकते हैं, देख पा रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नौवें टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे मैं बोतल के कैप में आपको एक पावरफुल वाटर पंप बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पीवीसी पाइप से इस तरीके से इसका पंखा और एक कैप बना लिया है, तो देख पा रहा हूँ यहाँ पे। तो पहले मैं इसका जो कैप मैंने बनाया है उसे मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ इस तरीके से। तो मैंने इसके बीच में यहाँ पे एक छेद कर लिया है ताकि इसमें मोटर ईजिली फिट हो सके। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पे, इसके बाद मैं इसका जो पंखा है वो ईजिली बना देना है। फ्रेंड्स, आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं चैनल पर जाके, उसमें आपको सारी फिटिंग मिलेगी। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पे, इस तरीके से आपको इसमें छेद कर देना है जहाँ से पानी आएगा, और ऊपर की साइड में भी हम छेद करेंगे, यहाँ से जो पानी है वो पाइप के थ्रू यहाँ पर निकलेगा ऊपर की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें ग्लू से या स्टिक ग्लू से आपने ईजिली चिपका सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको इन्हें सेट करना है। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पे ऊपर वाला पाइप हमने लगा दिया, इसके बाद आपको इसे ग्लू से इसे ईजिली चिपका देना है। आप साइड में ग्लू भी लगा सकते हैं बाद में। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पे हमारी जो वाटर पंप है वो बनके कंप्लीट होगी। चलिए इसे चेक करके देख लेते हैं किस तरीके से वर्क करती है। तो मैं यहाँ पे 12 वोल्ट से इसे चला रहा हूँ। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, आप इस तरीके से ही वाटर पंप बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने फाइनल टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा 10वां टॉपिक है। तो आप इसे फ्रेंड्स घर पर ज़रूर ट्राई करना। इस तरीके से आपको एक बोतल ले लेनी है और आप इसे बीच में से आपको कट कर देना है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको इसकी कटिंग करनी है। तो आपको इसे पूरा कट कर लेना है इस तरीके से। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको कटिंग करनी है। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पे, इसके बाद में फ्रेंड्स आपको दो कैप ले लेने हैं यहाँ पे। तो आपको इस तरीके से इन्हें ग्लू से इजीली चिपका देना है, ये अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट हो जाएंगे। वैसे तो फ्रेंड्स आप इसे किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दूसरा जो कैप है वो भी आपको चिपका लेना है यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके यूज आपको कहाँ पर करना है। तो फ्रेंड्स, आप इसे चिड़ियों को पानी पिलाने के लिए यूज में ले सकते हैं। जहाँ पर आपको सही लगे उस जगह पर आपको इसमें पानी भर के रख देना है, क्योंकि इस टाइम में काफ़ी गर्मियाँ हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, आप इतना तो कर ही सकते हैं, इस तरीके से आपको पानी भर के इसमें रख देना है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सारे आइडियाज़ पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और फ्रेंड्स, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप इसे लास्ट वाले आइडियो को जरूर यूज़ करना,